आपको हमने बताया ये टोटल जो हमारा जो कोस्ट है नई मुंबई हमारे कमिश्नर का जो जुरिडिक्शन है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास का है और उसमें कोस्टल सिक्योरिटी हमारी पेट्रोलिंग है, कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग है, कहीं कहीं पे जो वाइटल स्टेशन है वहाँ पे सीआरपीएफ के भी लोग हैं। तो ये हमेशा हम इंटेलिजेंस निकालते रहते हैं, कार्रवाई करते रहते हैं, कुछ पता लगता है कौन आ रहा है जा रहा है उसका, वो हमारा एक अलग ऑपरेशनल चलता रहता है मैटर। अभी ये इसके बारे में कि समुद्र के अंदर कुछ बड़ी जहाज़ें आती हैं और उसमें से कुछ लोग कोई तेल निकालते हैं और वो तेल निकाल करके कुछ अलग अलग बोर्ड से जा करके कहीं पे उसको बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। इसके बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन कुछ दिन से आ रही थी और अभी जो परसों जो कार्रवाई हुई है तो ये जो इंटेलिजेंस है ये हमारा जो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, जो पुरोठा डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र सरकार का वो, और हमारा जो क्राइम ब्रांच है इनके पास, सुरेश मेंगरे साहब के पास में जो इंटेलिजेंस आया था कि ऐसे जहाज से कुछ बोट्स आने वाले हैं जो मुंबई है या फिर थाने है या फिर नई मुंबई है, ये पूरे कोस्ट में कहीं तो जहाज से तेल निकाल के बेचने वाले हैं लोग। तो इसके ऊपर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी जो ज्वाइंट टीम थी, हमारे सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, पुरोठा डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच और हमारे लोकल पुलिस के यूनिट, तीनों ने मिल करके वहाँ पर ऑपरेशन किया और उसको जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से लोकेट करके कार्रवाई करके पता लगा कि वो इस एरिया में कहीं पे बड़े जो टैंकर जो जहाज़ आती हैं वो जहाज़ में कुछ लोग तेल बेच करके और तेल खरीद करके निकल रहे थे। तो दो बोट इनको मिली वहाँ पे और उसमें टोटल करीब 21,400 लीटर डीजल मिला वहाँ पे और उन्होंने ऑलरेडी उसके पहले 9,300 लीटर डीजल बेच दिया था, तो उसके जो बेचे हुए पैसे मिले करीब 6-7 लाख के और ये जो डीजल था वो उसकी कीमत करीब 16 लाख थी और जो दो बोट है उसकी हमने एक माफक कीमत लगाई है करीब 6-6 लाख, तो 2-12 लाख की बोटें हैं, तो टोटल करीब हमारे पास 35 लाख रुपए के मुद्देमाल जो है ज्वाइंट टीम ने उसको जब्त किया है। इसमें पांच लोग उसमें गिरफ्तार हुए अभी तक। ये घाटकोपर का रहने वाला है, आसिफ नहमुद्दीन वलियानी है, ये माझगाँव मुंबई के रहने वाला है, प्रवीण पंडरीनाथ नाईक ये रायगढ़ का रहने वाला है, विठ्ठल धोंडीबा देवकाते रायगढ़ का है और दत्ता धोंडीबा देवकाते रायगढ़ का है। अभी इसमें हमारी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, ये और कितना इन्होंने पहले तेल लिया होगा, कहीं और बेचा होगा, कितने लोग इन्वॉल्व हैं उसके बारे में तहकीकात हम कर रहे हैं, और भी कोई ऐसे लोग हैं जो इसमें लगे होंगे तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जैसे हम कुछ डेवलप होगी इन्फॉर्मेशन हम कार्रवाई करेंगे। इसका मोडस ऑपरेंडी आपको मैंने बताया है कि ये जो बड़ी जहाज़ें आती हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व तेल होता है, डीजल होता है उनके पास में, वो रहते हैं कहीं उनको एक्स्ट्रा रुकना पड़े रिजर्व के लिए, तो फिर वो कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा रहता है उसको यहाँ ला करके फिर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो उसको सस्ते में बेच देते हैं, उनको सस्ता पड़ता है, वो 60 रुपये में बेचते हैं इनको, और ये जो 60 रुपये में ख़रीद करके जो आरोपी हैं इसको बाकी लोगों को 70 रुपये में बेचते हैं, 70 रुपये में बेचते हैं, 75 रुपये में बेचते हैं, और मार्केट में जो डीजल की कीमत है वो 95 रुपये है, 95 रुपीज़ है। तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की वजह से ये पूरा इनका स्मगलिंग और चोरी का धंधा चल रहा है। तो उसमें हमारी कोशिश है, इसके पहले भी हमने करीब 27 केसेज किए हैं, 21 केसेज तो हमारे यहीं जोन 2 एरिया में हुआ है जो कि ऐसे चोरी से तेल बेचने का जो केसेस था, और बीच में बायोडीजल के नाम से भी काफ़ी लोगों ने बेचना शुरू किया था बायोडीजल का, जो जहाँ तक मुझे पता है कि बायोडीजल हमारे यहाँ कुछ पैदा होता नहीं है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल, फर्नेस ऑयल और ये जो डीजल है यहीं ला करके यहाँ पे लोग मार्केट में चोरी से बेचते हैं कभी कभी, उस पर हमारी केस हो रही है। और जो हमारा जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, पुरोठा डिपार्टमेंट है, पिछले 3-4 महीने में बहुत सारी कार्रवाई इन्होंने भी की है, उससे अभी शायद थोड़ा इस पर असर पड़ा है और अभी जो डीजल की जो खपत है, ओरिजिनल डीजल खपत है, थोड़ा बढ़ रहा है अभी, और इसमें जो टैक्स जो ये पूरा जो काम है इसमें सरकार का बहुत सारा टैक्स जाता है, तो बड़ा सीरियस है, बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर हम कोशिश करेंगे कि ये और भी कोई अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो सारी कार्रवाई हम करेंगे।